हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल एंड एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनको, इनकी डेफिनेशन लिखने से पहले हमें एक चीज, वर्ड पता होना चाहिए, एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है। ओके, तो जो एम्बिडेंट होता है इसका मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग रिएक्शन फ्रॉम मोर देन टू अटैकिंग साइट्स। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो एम्बिडेंट का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग अ रिएक्शन, कैपेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग अ रिएक्शन फ्रॉम टू और मोर साइट्स। ओके, तो यहां पे ये जो साइट है इसका मतलब है अटैकिंग साइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको आगे पता लगेगा, हम एग्जांपल जब सोल्व करेंगे। ओके, एम्बिडेंट का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ इनिशिएटिंग अ रिएक्शन फ्रॉम टू और मोर साइड। ओके, कि किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए ओके, कितनी हमारे पास दो या दो से ज्यादा अगर किसी साइट है, अटैकिंग साइट है किसी की भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड की। ओके, तो वो हमारे पास होगा एम्बिडेंट। ओके, अब कोई भी अगर कंपाउंड है, अगर वो एम्बिडेंट हुआ, ओके, तो वो कोई भी रिएक्शन स्टार्ट कर सकता है अपने टू और मोर अटैकिंग साइट्स। ओके, जैसे फर्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ओके, तो यहां पे लिखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, और यहां पे लिखते हैं हम एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, अब हम पहले डिस्कस करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो यहां पे लिखो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो चीज होती है विच हैविंग मोर देन वन डोनर एटम। ओके, तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी स्पीसीज जिसके पास एक से ज्यादा क्या हो, डोनर एटम्स हो। ओके, डोनर एटम का मतलब आपको पता ही है, डोनर एटम वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। ओके, तो अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम्स हैं, ओके, तो वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, एंड उसने बोला एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है साथ में लिखनी, एंड दे शुड बी डिफरेंट इन नेचर। ओके, अगर कोई भी मॉलिक्यूल में हमारे पास दो या दो से ज्यादा हमारे पास क्या है, अटैकिंग साइट्स हैं, अटैकिंग डोनर एटम्स हैं। ओके, तो वो दोनों मतलब वो जितने भी होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपस में डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो हमारे पास वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। ओके, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, तो जैसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहां पे हमारे पास है ओ नेगेटिव एन डबल बॉन्ड ओ। ओके, और यहां पे इसके नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, मैंने बोला कि ये जो मैंने एग्जांपल लिखी ये है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अब ये कैसे है, देखो यहां पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होना चाहिए, हमारे पास दो, एक से ज्यादा डोनर एटम्स होने चाहिए। ओके, प्लस दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, तभी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पे देखो ये इलेक्ट्रॉन भी डोनेशन के लिए अवेलेबल है लोन पेयर। ओके, किसके ऊपर है, नाइट्रोजन के ऊपर, मतलब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे सकता है। ओके, तो ये एक क्या है, डोनर एटम है। ओके, अब यहां पे देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, इसके पास तो कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है। ओके, तो ये डोनर एटम तो हो नहीं सकता, बट ये जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड बनाता है, बट यहां पे इस ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, इसी वजह से नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। ओके, यहां पे इस ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया। ओके, तो यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है इसके, तभी इसके पास। ओके, यहां पे सिंगल बॉन्ड है इसके साथ, तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है इसके ऊपर, तो ये भी क्या है, डोनर एटम है। ओके, तो एक ही स्पीसीज में हमारे पास दो डोनर एटम्स हैं, यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं। ओके, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकते हैं, और दोनों ही क्या, डिफरेंट है। ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट है, दोनों का नेचर डिफरेंट है, इसी वजह से ये जो एग्जाम्पल है ये क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल आया। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ऐसे अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है इसके ऊपर, और ये भी अटैक कर सकता है। तो यहां पे टू अटैकिंग साइट्स हैं इसके पास। ओके, तो ये अटैक कर सकता है थ्रू नाइट्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी।
अब एक और एग्जांपल करते हैं, आपने बताना कि वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा कि नहीं होगा। ओके, तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास, जैसे यहाँ पे ओ नेगेटिव है, ये अटैच्ड है एन, इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और ये अटैच्ड है डबल बॉन्ड ओ के साथ और यहां पे है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ विद नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहां पे ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है, तो सबसे पहले क्या पता करना है कि यहां पे डोनर एटम्स होने चाहिए एक से ज्यादा, और क्या होने चाहिए, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो यहां पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या है, जैसे हमने यहां पे देखा था ये भी डोनर एटम था, तो यहां पे भी डोनर एटम है ये। ओके, ये भी डोनर एटम है ये। ओके, और यहां पे देखो अब नाइट्रोजन के ऊपर कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहां पे लोन पेयर नहीं ना है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, यहां पे लोन पेयर था तो ये डोनर एटम था, बट यहां पे इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है कि वो अवेलेबल हो डोनेट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को। ओके, तो यहां पे ये डोनर एटम नहीं है फिर। ओके, बट यहां पे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है ना, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी डोनर एटम है। बट यहां पे ये डोनर एटम तो सही है, बट यहां पे दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ओ नेगेटिव है और ये भी ओ नेगेटिव है, तो यहां पे इस मॉलिक्यूल में डोनर एटम तो दो हैं, बट दोनों क्या है, सेम है। बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, दोनों अगर हमारे पास डोनर एटम्स है तो वो डिफरेंट होने चाहिए, बट यहां पे दोनों सेम है। ओके, ये भी डोनर एटम है ओ नेगेटिव और ये भी डोनर एटम ओ नेगेटिव। ओके, तो यहां पे इसी वजह से ये क्या है, स्पीसीज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ओके, तो ऐसे आपको कंफ्यूजन किया जा सकता है। ओके, तो यहां पे दो, अब आपको अगर दो या दो से ज्यादा अगर क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन में स्पीसीज दे रखी है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो ये वाली आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि डोनर एटम्स एक से ज्यादा होने चाहिए। ओके, और दोनों क्या होने चाहिए, हमारे पास डिफरेंट होने चाहिए, तभी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। अब देखो यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे है। ओके, तो यहां पे देखो नाइट्रोजन क्या है, मैक्सिमम थ्री बॉन्ड्स ही बनाता है। ओके, और जब थ्री बॉन्ड कंप्लीट कर लेता है तो उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिसको हम लोन पेयर कहते हैं। जैसे यहां पे था नाइट्रोजन की वैलेंसी थ्री होती है, तो इसने थ्री बॉन्ड्स बना लिया ऐसे। ओके, तो यहां पे इसके पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गए। ओके, तो ये लोन पेयर था, बट यहां पे क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड और एक्स्ट्रा बना लिया। यहां पे देखो कितने होगी इसकी वैलेंसी, फोर है भाई, वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर बॉन्ड्स बनाई, इसी वजह से यहां पे लोन पेयर गायब है, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज है। ओके, एक लास्ट एग्जांपल करते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल की, जैसे यहां पे है हमारे पास ये वाली एग्जांपल, यहां पे ओ नेगेटिव है, यहां पे डबल बॉन्ड और ये है आर। ओके, अब बताना है, आपको लग रहा होगा कि यहां पे तो सिर्फ एक ही डोनर एटम है। ओके, क्योंकि यहां पे ये तो डोनर एटम है ये वाला ओ नेगेटिव। ओके, तो यहां पे तो एक से ज्यादा तो डोनर एटम नहीं है, इसी वजह से आप कहोगे कि ये तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट यहां पे आपने ऐसे नहीं कहना, आपने थोड़ा सा दिमाग लगा के, ओके, थोड़ी सी देखना एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करके कि हाँ इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अटैक कर सके एक से ज्यादा साइट्स पे। ओके, तो जैसे इस एग्जांपल में देखा जाए तो यहां पे ओ नेगेटिव, तो ये भी अटैकिंग साइट है, क्योंकि यहां पे डोनर एटम एक है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो अगर मैं ये वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसे डीलोकलाइज करवाऊं, ओके, तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये भी डीलोकलाइज होंगे ऐसे। ओके, तो यहां पे अगर इसका कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा, यहां पे होगा आर, ये ऐसे, ये ओ आ जाएगा, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे बन गए, यहां पे चले गए, ये हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आगे शिफ्ट हो गए, तो यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखो ये भी क्या हो गया, डोनर साइट बन गई ना, ये भी क्या है, डोनर एटम बन गया, डोनर साइट। ओके, किसके ऊपर है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो यहां पे दो अटैकिंग साइट्स आ गई, एक तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ओके, और जब हमने इसकी कॉन्जुगेशन करवाई तो हमारे पास क्या बन गया कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये वाला नेगेटिव चार्ज यहां पे भी आ गया। ओके, तो कॉन्जुगेशन से कह सकते हो कि यहां पे दो डोनर एटम्स है, एक तो ओ, ओके, और एक क्या है, कार्बन है, तो इसी वजह से एक से ज्यादा डोनर एटम आ गए। ओके, और दोनों डिफरेंट है, यहां पे ऑक्सीजन है और यहां पे कार्बन है, तो इसी वजह से ये भी क्या है हमारे पास, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी क्या है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ऐसे आपने मॉलिक्यूल को देख के जज नहीं करना कि हाँ यहां पे एक ही डोनर एटम है तो ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता,
पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या चीजें हो सकती हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, अगर कॉन्जुगेशन हो तो बहुत ज्यादा होगा। ओके, तो यहां पे देखो आपने हमेशा यही याद रखना कि जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है ना उसमें ना ज्यादातर कॉन्जुगेशन ही होती है। जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, तो डीलोकलाइजेशन क्या होगा कि यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहां पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो यहां पे कॉन्जुगेशन आ सकती है, यहां पे भी हो सकती है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाए। ओके, यहां पे भी हो सकती है ये नेगेटिव चार्ज ऐसे डीलोकलाइज हो जाए तो यहां पे ओ डबल बॉन्ड एन आ जाएगा। तो आप जो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है ना उसमें क्या होता है, जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स होते हैं वो ही हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये आपने याद रखनी है चीज। ओके, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था। ओके, तो जिस मॉलिक्यूल में आपको दिख रहा है कि हमारे पास कॉन्जुगेशन अवेलेबल है तो कॉन्जुगेशन करो, और जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है तो आपको पता चल जाएगा कॉन्जुगेशन से हाँ कि मेरे पास उस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा क्या है हमारे पास डोनर एटम्स हैं। तो अगर डोनर एटम्स एक से ज्यादा होंगे और डिफरेंट होंगे तो वो वाला मॉलिक्यूल वो स्पीसीज क्या होगी हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। तो अब हम देखते हैं कि एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ओके, आई होप आपको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल पता लग गया होगा आप। ओके, अगर कोई भी एग्जांपल आ सकती है तो आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं ओके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल को। तो एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल भी सेम है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। यहां पे क्या था, हैविंग मोर देन वन डोनर एटम, यहां पे लिखोगे आप हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ओके, लिखो यहां पे मोर देन वन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ओके, जिस मॉलिक्यूल में आपको लगे कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सेंटर, तो वो क्या होगा, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल होगा। ओके, जैसे हम एग्जांपल करते हैं सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे ये अटैच्ड है। ओके, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे है फॉर एग्जांपल, देखो ऐसे चीज है देखो। ओके, अब ये एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल है एम्बिडेंट, देखो ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ओके, तो बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे बन गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस, देखो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज तो जनरेट हो गया ना। ओके, बट यहां पे उसने बोला कि एक से ज्यादा होने चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसने बोला कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होना चाहिए, बट यहां पे इस मॉलिक्यूल में इस कार्बोनल की वजह से सिर्फ कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, बट यहां पे तो सिर्फ एक ही जनरेट हुआ है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। ठीक है, अब देखो आप इसको भी देखकर जज नहीं कर सकते कि हाँ ये एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जैसे इस केस में था, यहां पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज था एक के ऊपर, आपने कहा कि हाँ आप सोचोगे कि ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल नहीं है, बट मैंने कहा था कि कॉन्जुगेशन करवा के देखो, अगर कॉन्जुगेशन से पता चलता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कि वहां पे एक से ज्यादा क्या है अटैकिंग साइट्स हैं। ओके, एक से ज्यादा क्या है डोनर एटम है, तो यहां पे भी सेम केस होगा, यहां पे ये जब ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसको कौन बैलेंस करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होंगे। ओके, तो यहां पे इसका अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, ओ नेगेटिव, ये कार्बन ऐसे, और ये इसका ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, ये जो हमारे पास पाई बॉन्ड थे यहां पर बन गए और यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज अब यहां पर क्रिएट हो गया, ओके रेजोनेंस की वजह से, मतलब कॉन्जुगेशन से क्या होगा, पहले तो यहां पे शिफ्ट हुआ पॉजिटिव चार्ज, अब यहां पे आ गया, तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन की वजह से क्या है दो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए, एक तो ये वाले कार्बन पे और एक ये वाले कार्बन पे। ओके, तो यहां पे क्या है हमारे पास वन एक से ज्यादा क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, एक तो यहां पे इस कार्बन पे और एक ये वाले कार्बन पे, दैट इज ये वाले कार्बन पे, तो इसी वजह से ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या है एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये भी क्या है एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो आपने हमेशा देखना है कि हाँ कि वहां पे कॉन्जुगेशन करवा के देखो, कॉन्जुगेशन से ही आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ अटैकिंग साइट्स कितनी है टोटल, तो यहां पे ये एक और ये दो, तो यहां पे इस मॉलिक्यूल में क्या है टू अटैकिंग साइट्स। कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल यहां पर भी अटैक कर सकता है और यहां पर भी अटैक कर सकता है। ओके, तो यहां पे लिख सकते हो कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कहां कहां पे एंटर कर सकते हैं, दो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इनटू पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ
ऑर्बिटल ऑफ सी डबल बोन्ड ओ एंड सी डबल बोन्ड सी। तो इस यहाँ पे देखो ये पाई है ना, ये पाई बोन्ड है यहाँ पे, इसका पाई स्टार भी होगा। पाई स्टार आपको पता ना कि क्या होता है, पाई स्टार होता है आपको एमओटी आप मैंने समझाई थी। ओके पाई स्टार क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। ओके और जो पाई होता है वो क्या होता है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके तो यहाँ पे अगर पाई आपको दिख रहा है कहीं पे भी बॉन्ड, तो अगर पाई बॉन्ड है तो उसका पाई स्टार भी होगा, मतलब उसका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल भी होगा। ओके तो यहाँ पे क्या है, इस ये अगर इलेक्ट्रॉन इसके पाई स्टार में जाएंगे, सी डबल बॉन्ड सी के पाई स्टार में जाएंगे, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा ना। ओके तो ये ब्रेक होकर क्या होगा, सिंगल में चेंज होगा। देखो यहाँ पे ओके अगर इसके पाई सी डबल बॉन्ड सी के पाई स्टार में जाएंगे तो क्या होगा, इसका जो पाई बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा सिंगल में। देखो यहाँ पे मैंने ये सारा कुछ एमओटी में बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल के पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में डेट इज जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, उसका जो बॉन्डिंग वाला ऑर्बिटल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। ओके वीक हो जाता है, तभी ब्रेक हो जाता है, क्यों, अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी। ओके तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइलिक के इलेक्ट्रॉन होंगे अगर यहाँ पे इसके पाई स्टार में जाएंगे सी डबल बॉन्ड ओ के, तो यहाँ पे इसका जो डबल बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, वो सिंगल में चेंज होगा, डेट इज यहाँ पे देखो। ओके अगर इसके सी डबल बॉन्ड सी में पाई स्टार में जाएगा तो इसका जो सी डबल बॉन्ड सी होगा वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा सिंगल में, देखो यहाँ पे। ओके तो इस कार्बन में और इस कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में क्या है, सिंगल बॉन्ड आ गया। ओके सो आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रही होगी, आपको अच्छे तरीके से आप समझ आ गया होगा कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। सो ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।